आज कितनी पैसे दिखाओगे? दिखा दो 9-10 तो। 9-10 पैसे तो आपको जानना जाता है बिल्कुल सस्ते रेट के लिए। आज कितने में झोटी दे दोगे? कम से कम 74,000 रुपए। कम से कम 74,000 रुपए में। तो कौन से ब्यांत की है झोटी? दूसरे ब्यांत की। कितना दूध है? 13 लीटर। 13 किलो दूध भाई। कल खीस से शाम को खाली गया, 14 किलो से ऊपर स्टार्टिंग है। ये देखिएगा, खीस से खाली की गई है, 14 किलो दूध से शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग बता रहे हैं। ब्यांत की बात करें तो कौन सा ब्यांत है? दूसरे ब्यांत में 9-10 दिन की ब्याई, 16 तैयार है। ये देखिएगा सेकंड टाइमर, एक और बफलो 9-10 दिन की ब्याई हुई। अडर की क्वालिटी देख लीजिएगा, 16 किलो जो दूध है मौके पे तैयार बता रहे हैं। करी है दूसरे ब्यांत की है, बहुत बढ़िया ब्याई हुई 10-11 दिन की। 10-11 दिन की ब्याई हुई है, 22 प्लस दूध तैयार है। ये देखो जी, 22 प्लस जो दूध है तैयार बता रहे हैं। तो एक बार फिर से पशुधन का खचा खच भरा हुआ डेयरी फार्म काफी लंबा सफर तय करके आज की स्पेशल वीडियो आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के आए हैं। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ का गांव है भूषण, और जितनी भी वीडियो जिस डेयरी फार्म से मैंने कवर करी हैं, हर बार कम से कम पूंजी की बिल्कुल ताजा ब्याई हुई भैंस है वो देखने को मिली। आज आपको 9 से 10 पशुधन दिखाएंगे। बात करें डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव भूषण की, एक ही लोकप्रिय चेहरे मैं कहूंगा रहे हैं, जोशी डेयरी फार्म पे आए हैं मोनू जोशी भाई। उनका जो अच्छा पशुधन है वो आज की स्पेशल वीडियो में दिखाएंगे। काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाला पशुधन आपको यहां पे मिलता है। न सिर्फ लोकल में ख़रीद बेच का इनका काम, बल्कि बाहर के जो पशुपालक, बाहर के जो ग्राहक हैं वो कंटिन्यूस डेयरी फार्म पे आते रहते हैं। तो सीधा भाई के पास लेकर के चलेंगे, एक एक पशुधन की डिटेल्स बिल्कुल बारीकी से जानने का प्रयास। मोनू भाई सबसे पहले नमस्कार है आपको, कैसे हो जी? ठीक हो? तो काफी दिन के बाद अब की बार वीडियो कवर कराने का मौका मिला, या फुर्सत नहीं थी भाई को, बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज कितनी पैसे दिखाओगे? दिखा दो 9-10 तो। 9-10 पैसे तो आपको जानना जाता है बिल्कुल सस्ते रेट के लिए। आज कितने में झोटी दे दोगे? कम से कम 74,000 रुपए में। तो कौन से ब्यांत की है झोटी? दूसरे ब्यांत की। कितना दूध है? 13 लीटर। 13 किलो दूध तो 74,000 रुपए में आज की स्पेशल वीडियो में देखने को मिल रही है। वैसे भैंसे कितनी दिखाओगे आज? 9-10 भैंसे। ब्यांत की बात करें तो कैसा कैसा ब्यांत रहने वाला? पहला दूसरा और तीसरा। तो लोड वगैरह बीच में भेजा कहीं पे? कई चले जाते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर एक एक पशुधन से शुरुआत करते हैं। खुलवाओ, कहाँ से खुलवाओगे? तो मनु भाई, एक नंबर पे पशुधन आ रहा है अपी के फार्म से, क्या कुछ जानकारी है एक बार बता दीजिएगा भाई। कल खीस से शाम को खाली गया, 14 किलो से ऊपर स्टार्टिंग है। ये देखिएगा, खीस से खाली की गई है, 14 किलो दूध से शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग बता रहे हैं। ब्यांत की बात करें तो कौन सा ब्यांत है? दूसरे ब्यांत में। ठीक है, और तीसरे भी हो सकते हैं अपने घर की ना जी। तो कितने दिन की ब्याई होगी ये? परसों की ब्याई है। बच्चे की बात करें, बच्चा नीचे कटड़ी इसमें देखने को मिलेगी। और पशुधन आप देखिएगा, थर्ड या फोर्थ लैक्टेशन में पशुधन हो सकता है, सेकंड या थर्ड। तो चेहरे मोरे की बनावट, पीठ बॉडी वेट है वो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं सेकंड। आए ठीक से के ठीक से मारे तो 1 महीना हो गया भैंस ने ब्याई ने, बेरा ने क्यों हो गया उसके तो दूध देना बढ़ाती वो। तू एक काम करे ना, जो त्राजेट दवाई दिया करे वह तू भी देख देख ले। ऐसा कर, तू ही पूछ के बता दे उनते। हाँ मैं बुझू, सुनो के ए बावली देनू केल जेल दो भैंस ताई दूध दे दूध और 24 घंटे में सर देनू केल जेल। हाँ बेबे हाँ। पशुधन स्वस्थ तो किसान समर्थ, इसीलिए देनू केल जेल दुग्ध विकास के लिए। इंडिया थर्ड लैक्टेशन में जो बफलो है वो हो सकती है, और मैं कहूँगा आर्डर की जो क्वालिटी है वो आप देखिएगा, काफ़ी बेहतरीन जो आर्डर। आपके हिसाब से कितना दूध इसने देना चाहिए? दूध कोई भाई 10,000 फ्राई करके 22 किलो अपना भर ले जाएगा। 22 किलो दूध दे देगी ये? निकाल के देंगे उधर। अच्छा, तो कट्टे के तोल का है ये सारा? लीटर में। तो देखिएगा, कह रहे हैं कोई भी भाई टोकन अमाउंट डाल ले और 22 लीटर जब दूध तैयार हो जाए तो फिर इसको देना पसंद करेंगे। पशुधन आप देखिएगा, लंबाई ऊंचाई पीठ बॉडी वेट काफी बेहतरीन। बात करें कीमत मोल भाव? 1,65,000। 1,65,000 रुपए में जो बफलो जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों के सामने, और इसको रिसेंटली खीस से खाली किया गया है, तब जा करके ऐसा अडर, ऐसा जो लेवा है वो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। पीठ की चौड़ाई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूसरे नंबर का एक और पशुधन आप ही के फार्म से, क्या कुछ जानकारी? दूसरे ब्यांत में 9-10 दिन की ब्याई, 16 तैयार है। ये देखिएगा सेकंड टाइमर, एक और बफलो 9-10 दिन की ब्याई हुई। अडर की क्वालिटी देख लीजिएगा, 16 किलो जो दूध है मौके पे तैयार बता रहे हैं। लांड पांड देखो,
नाम मात्र की पूंछ में सफेद बाल भी नहीं मिलेंगे, प्योर जेट ब्लैक टेल में जो बफलो जो पशुधन। बच्चे की बात करें तो नीचे कटड़ी, कितने दिन की ब्याई हो गई है? 9-10 दिन। 9 से 10 दिन का ब्याया हुआ पशुधन। और ये आप देखिएगा, सिंगों की बनावट से लेकर के नीचे अडर की क्वालिटी, जबरदस्त स्ट्रेट स्पेसिंग के साथ पैरों के बीच का टाइट जो अडर है, शानदार जो लेवा है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। दार चुवाई की कैसी रहेगी? कोई कमी नहीं रहेगी। और पशुधन आप देख सकते हो। तो ये कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? किलो दो किलो दूध, यानी के 17-18 किलो दूध कह रहे हैं, आराम से दे देगी। और पशुधन आप देखिएगा, ये पशुधन आप देखो जी, चेहरे मोरे की बनावट से लेकर के फिर से जो ऊंचाई लंबाई, अडर की क्वालिटी, पैरों के बीच का शानदार लेवा, शानदार जो अडर है इसमें देखने को मिल रहा है। तो बात करें जी कीमत मूल भाव, 1,28,000 रुपए में जो बफलो है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो यहाँ पे कोई भी पशुपालक भाई आए, जितने मर्जी समय का दूध देख करके पशुधन को जांच परख करके आप लोग ले जा सकते हो। इस डेयरी फार्म की दूसरी या तीसरी वीडियो कंटिन्यू हमारे चैनल पे हो सकती है, ज़्यादा भी हो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, 3-4 वीडियो तो होगी होंगी मोनू भाई, है ना? हाँ, तो मोनू भाई एक और पशुधन आप ही के फार्म से, इसकी क्या कुछ जानकारी है? दूसरे ब्याह की है। बहुत बढ़िया, ब्याई हुई 10-11 दिन की, 10-11 दिन की ब्याई हुई है, 22+ दूध तैयार है। ये देखो जी 22+ जो दूध है तैयार बता रहे हैं। सबसे पहले सींग आप देख लो, माथे पे जमता हुआ जो सींग है वो, और अडर की जो क्वालिटी लंबाई ऊंचाई में काफी जबरदस्त, पीठ की जो चौड़ाई है वो इस बफलो में, बाकी है, सुबह 6 बजे इस पशुधन में आपको देखने को मिल रहा है। तो कह रहे हैं सुबह 6-6:30 बजे के करीबन दूध निकला है, अभी हम लोग वीडियो 4-4:15 बजे के करीबन कवर कर रहे हैं। तो पशुधन पे चलते हैं, ये देखिएगा बच्चा इसमें क्या है, नीचे कटड़ा है। तो ये देखो चेहरे मोरे की बनावट, लंबाई ऊंचाई, और फिर से जो अडर की क्वालिटी है वो आप सब पशुपालकों के सामने। कितना दूध देना चाहिए मोनू भाई? पहले ब्यांत में था भाई 19-20 किलो दूध पहले ब्यांत में, तो अब की बार 23-24 आराम से 2 किलो दूध तो बढ़ाएगा, 2 किलो दूध कह रहे हैं बढ़ाएगी। तो सुंदरता से भरपूर जो बफलो, सुंदरता से भरपूर जो पशुधन है, कीमत मोल भाव की बात करें तो 2,20,000 रुपये सबसे महंगी भैंस आज यही है हमारे फार्म पे। और पशुधन फिर से चलते हैं, 2,20,000 रुपये भाई ने कीमत रखी है। अडर आप देख लो, थोड़ा सा फर्क है 19-20 का पीछे से, दार रहेगी थोड़ी सी। अच्छा, बाकी कोई भी भाई आए अपना पशुधन देख के जांच परख करके पूरा चेक करके ले जाओ, कोई गारंटी नहीं, यार निकालो चीज़ टाइम 5 टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप पहले गारंटी लेते थे लेकिन आप लेनी बंद कर दी है, ठीक है? भी नहीं सुनेंगे जी। खाने पीने में कैसी रहेगी? कुछ भी डाल दो तो सिर्फ ताजा ही मिलेंगी अपने पास वैसे, और बाखड़ियों का कोई काम नहीं है, ठीक है? तो मनु भाई अभी शराब चल रहे हैं, थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला, बिक्री मंदी हो या कुछ इस तरह का मार्केट हमारे पास तो नहीं थी, कुछ नहीं देखने को मिला, ठीक है? कम से कम 25-30 बेची हैं। कल दी आपको 4 दिन अच्छा करते, तो नवरात्रों में तो और भी ज्यादा स्पीड पकड़ जाओगे फिर, नवरात्रों में तो हैं समय, ठीक है ठीक है। तो एक और पशुधन आप ही के फार्म से, लंबाई ऊंचाई काफी जबरदस्त, हालांकि शरीर से थोड़ा सा दुबलापन दिखाई दे रहा है, क्या कुछ जानकारी है बता दीजिए? मालिक पहले ब्यांत कहता है पर दूसरे ब्यांत की है, दूसरे ब्यांत की, ठीक है? 17 किलो दूध तैयार है, 18 बरकारी किलो, आज किलो कम मान। तो कितने दिन की ब्याई होगी ये? ब्याई होगी आज 13-14। ये देखिएगा सेकंड टाइमर बफलो 17-18 किलो दूध बता रहे हैं, तैयार है, 13-14 दिन की ब्याई हुई। अडर की क्वालिटी आप देख लो, पीठ की लंबाई ऊंचाई काफी जबरदस्त, जो बफलो भरपूर जो पशुधन है वो। तो बच्चा क्या है इसमें? नीचे कटड़ा इसमें आप लोगों को कटड़ा देखने को मिलेगा, थनों के कूप, चेहरे मोरे की बनावट और लंबाई ऊंचाई, हर तरीके से काफी जबरदस्त बफलो, काफी जबरदस्त जो पशुधन है वो आप देखिएगा। धार चुवाई कैसी मिलेगी इसमें? एक नंबर की धार चुवाई है ये, आप देखो जी। तो सिलेक्शन भाई का इस तरह का मिलता है, पिछले वीडियो में काफ़ी सारे भाइयों ने कही भी थी कि राजस्थान का माल है, लेकिन भाई ने बता दिया दूध से मतलब है, राजस्थान का हो हरियाणा का हो, जैसा भी पशुधन है वो रखते हैं। पैरों के बीच का सटीक अडर इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, और लंबाई ऊंचाई है वो आप सब पशुपालकों के सामने। तो इसका कीमत मोल भाव? कीमत मोल भाव 1,52,000। 1,52,000 रुपये तो कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? 2 किलो दूध कह रहे हैं खुला बढ़ाएगी। तो मनु भाई एक और छोटे सींग में पशुधन आप ही के फार्म से, क्या कुछ जानकारी है बता दीजिएगा? डेढ़ दो महीने की ब्याई हुई होगी है, 13+ दूध बता रहे हैं। और बच्चा नीचे क्या है?
नीचे कटड़ी है, तो गैबिंड वगैरह भी हुई है कैसे क्या? दो चार दिन की है, हम कोई गारंटी, दो चार दिन की है तो खाली समझ के कोई भी भाई ले। बाकी छोटा सींग है माथे पे जमता हुआ, पीट बॉडी वेट, अडर की क्वालिटी आप देख लो, हालांकि थोड़ा सा टिट स्पेसिंग आपको कम देखने को मिला। कितना दूध है आज? 13+ दूध है। तो कीमत मोल भाव? 78,000 रुपये में छोटे सींग का पशुधन। ये आप देखिएगा 13+ जो दूध है उसकी जो कैपेसिटी है वो इस पशुधन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 1.5 से 2 महीने की ब्याई हुई, 3-4 दिन की प्रेग्नेंट भी है, लेकिन खाली करके ले जाएं, क्योंकि 3-4 दिन का मैं कहूँगा पशुधन को कैसे आप लोग चेक करा सकते हो। तो मनु भाई एक और बफलो, हालांकि सींग थोड़ा सा खुलेपन में है, लेकिन अडर की बात करें, पैरों के बीच का टाइट अडर, क्या कुछ जानकारी है? दूसरे ब्यात की 8-9 दिन की जी, दूध 15+ दूध 8-9 दिन की ब्याई हुई, सेकंड टाइमर बफलो, जबरदस्त पैरों के बीच का टाइट अड्रेस इसमें आपको देखने को मिल रहा है। लंबाई ऊंचाई देख लीजिएगा, पीठ की जो चौड़ाई है वो। बच्चा इसमें क्या है? नीचे कटड़ा। तो कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? 2-3 किलो तो और बढ़ा देनी चाहिए, पर ना मानो इतना ही मानो अपना के भाव। अच्छा, तो बात करें जी कीमत मोल भाव? 1,22,000 रुपये में पशुधन। आप देखिएगा सिंगों का जो खुलापन हालांकि थोड़ा सा है, बाकी टिट स्पेसिंग देख लो, मोटी मोटी वेन्स अडर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, और पैरों के बीच का टाइट जो टाइट लेवा, टाइट जो शानदार अडर है वो। तो 1,22,000 रुपये में कुछ मान सम्मान की गुंजाइश है? 1,18,000 फिक्स रेट। ये देखो जी 4,000 रुपये भाई कह रहे हैं कम हो जाएंगे, 1,18,000 रुपये जो फिक्स प्राइस है वो इस बफलो का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मनु भाई एक और बफलो आप ही के फार्म से, क्या कुछ जानकारी है? तीसरे ब्यात की है, 15+ दूध 13-16 उसका है। ये देखिएगा थर्ड लैक्टेशन में एक और बफलो, 15+ दूध मौके पे तैयार है, 16 भी हो सकता है, कह रहे हैं सुबह 9 बजे जो दूध है वो निकाल करके लाए हैं। तो एक सींग को थोड़ा सा नुकसान है, टूटा हुआ सींग, बाकी दूसरा सींग है बिल्कुल कन्नीदार सींग आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू आप देखिएगा, उसके साथ पीठ की चौड़ाई, ऊंचाई लंबाई काफी जबरदस्त। बात करें कीमत मोल भाव? 1,07,000 रुपए में जो बफलो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरकीब है से जोशी डेयरी फार्म, तीसरी चौथी वीडियो आज की इस चैनल पे होने वाली है। लास्ट में 2 पशुधन और बचते हैं, और काफ़ी सारा प्यार प्रेम, काफ़ी सारा जो मान सम्मान है हर बार हर एक वीडियो में भाइयों ने दिया, तो भरोसे की जगह है, कोई भी भाई आए अपना दूध वगैरह देख के जांच परख करके ले जाए। एक और बफलो है, क्या कुछ जानकारी है बता दीजिए? चौथे पांचवे दिन की ब्याई है। दूध 13 लीटर मौके पे 4 है ये। और ब्यात की बात करें तो दूसरा व्यास का तीसरा व्यास, ये देखिएगा सेकंड या थर्ड लैक्टेशन में 13 लीटर दूध मौके पे तैयार है। लंबाई ऊंचाई आप देख सकते हो, पैरों के बीच का जो अडर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। कीमत मोल भाव क्या रहेगा इसका? 86,000 रुपए में जो बफलो है, जो पशुधन है वो आप लोगों को यहाँ पे देखेगा। कम पूंजी का भी पशुधन, मतलब 1 लाख से नीचे की 2 भैंसे निकल करके आई हैं। तो लास्ट में मोनू भाई खुले सिंह का एक और पशुधन, क्या कुछ जानकारी है? बता रहे 12-13 लीटर दूध इसमें तैयार है। ठीक है, चल मुँह लगाया आपका आगे लगा। हाँ। तो थनों पे इसलिए आई है, मेरे सामने ही बच्चे ने 2 बार मुँह लगाया इसको। और ब्यात की बात करे तो दूसरे ब्यात में कितने दिन की ब्याई होगी? कितने दिन की? 13 दिन की। तो कीमत मोल भाव क्या रखोगे? 74,000 रुपए। ये देखिएगा 74,000 रुपीज़ में ये बफलो आपको मिल रही है। अडर की क्वालिटी, थनों के कूप, लंबाई ऊंचाई देखिएगा, थोड़ा सा सींग यहाँ पे ज़रूर खुलेपन में है, हाइट वजन की, बाकी लंबाई ऊंचाई जो है वज़न है काफ़ी अच्छा। तो इस तरह की करीब करीब भाई ने 9 से 10 पशुधन आज की स्पेशल वीडियो में दिखाए हैं। और भाव की बात करें तो लेकर के 74,000 से और 2,20,000 रुपए तक की जो भैंसें आज की स्पेशल वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो क्या कहोगे मनु भाई? बस कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, यही मिलना है, भैंस दिखानी थी दिखा दी, रेट यही मिलना है, दूध की फुल गारंटी आगे कोई सिर्फ अपने घर की, चाहे जितना मर्जी समय का दूध लेके ले जाओ, रहने की खाने की सारी सुविधाएं अपने पास। ठीक है, तो मोबाइल नंबर 9813-6230। ठीक है, तो रेवाड़ी से कितना लगता है? 55 किलोमीटर। और गुड़गांव से 100 किलोमीटर। और महेंद्रगढ़ से? महेंद्रगढ़ 35। नारनौल से 10। ये आपका नियर बाई, और राजस्थान बॉर्डर है ये वैसे, है ना? ठीक है, तो चलिए भाई साहब बड़ा बड़ा धन्यवाद, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। तो ये पशुधन था आज का जोशी डेयरी फार्म से, 10 भैंसे मैंने आप लोगों को दिखाई, और रेट है हर एक वीडियो में
हर एक पशुपालक से कंफर्म करते हैं, वैसा ही रेट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। कमेंट्स के माध्यम से आप लोग बता सकते हो कैसी भैंसें, कैसा पशुधन आपको लगा। तो जो संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे संपर्क कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।